हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं अपनी रेगुलर हॉरर और स्लैशर वाली स्टोरीज से हटके किसी और स्लैशर थ्रिलर वाले टॉपिक की मूवी लाया हूँ, जिसमें एक लड़की की कहानी है जिसे उसके स्कूल के कुछ कमीने बच्चे लगातार बुली करते रहते थे। तो क्या होगा जब बुलिंग की सारी हदें पार हो जाएंगी, ये जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई जैपनीज मांगा सीरीज पर बेस्ड स्लैशर थ्रिलर फिल्म लिवर लीफ को। IMDB पे से मिले है 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 7 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 60% फ्रेश विद 86% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम नोजाकी था। वो जैसे ही अपना स्कूल लॉकर खोलती है उसे उसके अंदर धूल और मिट्टी मिलती है। तभी वहाँ आइबा नाम का एक हैंडसम बंदा आकर उसे अप्रोच करता है जो कि उसका क्लासमेट था। वो नोजाकी से पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रही है, जिस पर नोजाकी हाँ बोलती है और आइबा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नोजाकी अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी उसे उसके कुछ क्लासमेट्स रास्ते में परेशान करते हैं। वो उसका सामान उठाकर एक गड्ढे में फेंक देते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम ताचिबाना होता है, वो कहती है कि तुमने हमारी दोस्त ताइको की फीलिंग्स हर्ट की है उस आयबा से बात करके। तभी ताइको बोलती है कि मेरा उस आयबा से कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि नोजाकी के क्लासमेट्स उसे हमेशा बुली करते रहते थे। जिसके बाद नोजाकी भी अपने घर जाती है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसके साथ ये सब किसने किया, तो वो उन्हें बता देती है कि उसके क्लासमेट्स ने। तो अगले दिन नोजाकी के पिता उसके स्कूल जाते हैं और नोजाकी के साथ हो रही बुलिंग की कंप्लेंट करते हैं। तो उनकी प्रिंसिपल कहते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करा लो, क्योंकि ये कमीने बच्चे मुझे भी नहीं छोड़ते। ये जवाब सुनने के बाद नोजाकी के पिता वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ नोजाकी के क्लासमेट्स आकर नोजाकी के पिता को शोले के ठाकुर वाले नोकीले जूतों से पीठ पे मारते हैं, जिस वजह से उसके पिता वहीं गिर जाते हैं। जिसके बाद वो बच्चे नोजाकी को परेशान करने के लिए उसके डेस्क पर एक मरा हुआ कौवा रख देते हैं, जिसके बाद वो अपनी टीचर को भी परेशान करते हैं। शाम को जब नोजाकी घर जाती है तो वो अपने पिता की छोड़ देखकर हैरान हो जाती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि हम सब यहाँ मेरे काम की वजह से शिफ्ट हुए हैं, और अगर तुम्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा तो तुम ग्रेजुएशन तक स्कूल मत जाओ। फिर अगले दिन नोजाकी स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसे बुखार हो जाता है। तो स्कूल में वो लड़कियाँ नोजाकी के बारे में ही बात कर रही होती है। फिर वो एक रूमी नाम की लड़की को उसके घर भेजती है ताकि वो उससे पूछ सके कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, और वो रूमी को बोलते हैं कि अगर कल से नोजाकी स्कूल नहीं आई तो वो रूमी को टारगेट करेंगे। रूमी नोजाकी के घर जाकर उसे ये सारी बात कहती है और उसे स्कूल आने के लिए बोलती है, पर नोजाकी मना कर देती है। तो रूमी नोजाकी से एक म्यूजिक सीडी सबूत के तौर पर ले लेती है ताकि वो उन बुली लड़कियों को बता सके कि वो नोजाकी के घर गई थी। जिसके बाद स्कूल में सब लोग रूमी को बुली करते हैं और यहाँ तक कि उसके बाल भी काट देते हैं। फिर वो रूमी से पूछते हैं, तो क्या अब तुम्हें नोजाकी पसंद है, देखो उसकी वजह से तुम्हारा क्या हाल हुआ है। तो रूमी कहती है, मैं अब नोजाकी का खून भी कर सकती हूँ। तो सोचो ये लोगों ने उसे कितना परेशान किया होगा, बाप रे, मतलब ये लड़की कितनी नेगेटिव और करप्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नोजाकी और उसकी छोटी बहन जंगल से जा रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ आइबा मिलता है और वो उन दोनों बहनों की फोटो लेता है, जिस पर वो बोलता है कि ये पहली बार है जब वो किसी इंसान की फोटो ले रहा है, मतलब पहले वो सिर्फ जानवर और नेचर्स की तस्वीरें लेता था। फिर अगले दिन आइबा नोजाकी के घर के बाहर किसी मजनू की तरह उसका इंतजार करता है, जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन साथ में घूमते हैं। और एक जगह रुककर आइबा नोजाकी को बोलता है कि जब स्नो गिरेगी तो ये शहर और भी सुंदर लगेगा। तभी आइबा गलती से नोजाकी का पकड़ लेता है हाथ। फिर वो वापस नोजाकी के घर जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें वहीं स्कूल के बुलीज मिलते हैं, पर वो बिना नोजाकी को कुछ बोले वहां से चले जाती है। तभी नोजाकी की नजर उसके घर पर जाती है जिसमें आग लगी हुई थी। नोजाकी भागकर अंदर जाने की कोशिश करती है पर आइबा उसे रोक लेता है और खुद अंदर जाकर उसकी छोटी बहन जो कि बुरी तरह जल चुकी थी उसे बाहर लाता है, पर उसके माँ बाप अंदर ही जलकर मर जाते हैं। फिर सीन सीधा हॉस्पिटल पर शिफ्ट होती है जहां हम नोजाकी को उसके बहन के वार्ड के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं जो कि अपनी बहन को ही देख रही थी। तभी नोजाकी के दादाजी वहां आते हैं और अब नोजाकी अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। अगले दिन स्कूल में वो बच्चे यही सोचकर डर रहे होते हैं कि उन्होंने एक फैमिली को जिंदा जला दिया है और अब पुलिस वाले उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब ये आग उन्होंने लगाई थी। यार मतलब साक्षात शैतान है ये बच्चे, बुली करने तक तो समझ में आ रहा था पर किसी के घर वालों को ही जला के मार देना, ये शैतान का ही काम हो सकता है। बट खैर, वहीं कुछ दिन बाद जब नोजाकी स्कूल आती है तो ये लोग उसे फिर से परेशान करते हैं और उसे वहीं पहली वाली जगह पर ले जाते हैं, और ताचिबाना उसे एक पिन से स्टैब करती है और कहती है कि उन्होंने ही उसके घर में आग लगाई थी,
और फिर ताचिबाना नोजाकी को एक चाकू से स्टैब करने ही वाली होती है कि तभी नोजाकी सीधा एक खिल्ला उसके आंख में घुसेड़ देती है, जिसके बाद वो उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। और ये देखकर उन बाकी दोनों लड़कियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो समझ जाती है कि नोजाकी अब अपने चंडी वाले रूप में आ चुकी है। वो लोग नोजाकी से माफ़ी मांगने लगती है पर नोजाकी उन्हें भी जान से मार देती है। पर मरने से पहले एक लड़की नोजाकी को बता देती है कि ये सारा प्लान कुगो का था। अगले दिन जब वो तीनों लड़कियां स्कूल नहीं आती तो उनके दोस्तों को ये सब अजीब लगता है। तभी वहां पुलिस आती है तो कुगो ठंड का बहाना करके वहां से चला जाता है, पर रास्ते में उसे नोजाकी मिल जाती है तो कुगो उसे फिर परेशान करने लगता है। तभी नोजाकी उसे स्टैब कर देती है तो कुगो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर भागते भागते कुगो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती है, तो नोजाकी उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। अगले दिन नोजाकी के दादाजी नोजाकी से कहते हैं कि भारी स्नोफॉल के कारण उसका स्कूल बंद रहने वाला है तो वो आज पूरा दिन आराम कर सकती है। उसी दौरान आइबा नोजाकी के दादाजी के घर जाता है तो उसके दादाजी कहते हैं कि अब वो नोजाकी और उसकी बहन को लेकर टोक्यो चले जाएंगे, जिसके बाद हमें वो दो लड़के दिखाए जाते हैं जो रूमी को कॉल करके कहते हैं कि हमारे चार दोस्त गायब है और इसके पीछे हो ना हो नोजाकी का ही हाथ है, इसके बाद अब वो उसके पीछे आएगी। तो अच्छा होगा कि रूमी नोजाकी के कुछ करने से पहले ही उसका गेम बजाए। फिर वो लड़के रूमी से बोलते हैं कि कल तो वो उसे ऐसे भी मारने वाले हैं। फिर अगले दिन जब नोजाकी जंगल में अकेले ही जमीन पर लगे लिवरली फ्लावर को देख रही होती है तब वो दोनों लड़के नोजाकी पर हमला करते हैं, पर वो दोनों उसे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि नोजाकी किसी निंजा की तरह उनके सामने से गायब हो जाती है। तो वो अलग अलग होकर नोजाकी को ढूंढने चले जाते हैं। उनमें से मोटे लड़के को नोजाकी मिल जाती है तो वो उसे पकड़कर जमीन पे गिरा देता है और उसे कहता है कि वो उसे लाइक करता है, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है तो नोजाकी उस मोटे की नाक पर पकड़ से हमला कर देती है। तभी वहां वो दूसरा लड़का आ जाता है और वो नोजाकी को हिश फिर कोई है कि विकराल के तीर कमान से मारता है, पर वो एरो नोजाकी की जगह उस मोटे के सर के आर पार हो जाता है। फिर वो लड़का नोजाकी पर हमला करता है पर नोजाकी उसे भी चाकू घोप कर मार देती है। वहीं अगले दिन आइबा और नोजाकी उसी जगह जाते हैं जहां आइबा ने उसका हाथ पकड़ा था और इस बार वो दोनों वहां किस करते हैं। फिर हम आइबा को उसके घर में देखते हैं जहां वो अपनी दादी को बोलता है कि वो भी नोजाकी के साथ टोक्यो जाएगा और उसके साथ वहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नोजाकी से मिलने ताइको नाम की लड़की आती है और इस लड़की को भी हमने उन बुलीज के ग्रुप में देखा था। ताइको नोजाकी से माफी मांगती है कि उसने उसके साथ स्कूल में ऐसे बिहेव किया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जब आइबा नोजाकी के करीब जाने लगा तो ताइको को नोजाकी से जलन होने लगी जिस वजह से उनकी दोस्ती खराब हो गई। फिर ताइको वहां से चली जाती है पर रास्ते में रूमी ताइको पर अटैक करती है, जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होती है जिसमें ताइको रूमी के फेस पे एक कट मार देती है, पर रूमी भी ताइको के सीने में चाकू घुसा के वहां से भाग जाती है। अब इससे इतना तो फिक्स हो चुका था कि रूमी पूरी तरह साइको हो चुकी थी। दूसरी तरफ स्कूल में सभी बच्चों के पेरेंट्स उनके बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट के लिए स्कूल के टीचर्स पर चिल्लाते हैं तो उनकी टीचर्स खुद ही वहां रोने लगती है कि उल्टा उनके बच्चों ने उनका जीना हराम करके रखा है और उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। वहीं रात को आइबा नोजाकी को फोन करके कहता है कि वो भी उसके साथ टोक्यो चलेगा, पर नोजाकी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो यही रहेगी। एंड ये सुनकर आइबा गुस्से से पागल हो जाता है और अपने फोन को ही तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि आइबा के हाथों पर खून लगा हुआ था। तभी कैमरा आइबा के दादी पर शिफ्ट होती है जो कि बुरी तरह जख्मी हालत में थी, जैसे उन पर किसी ने बहुत बार चाकू से वार किया हो। एंड तभी हमें पता चलता है कि आइबा ने ही अपनी दादी को जख्मी किया था और उसके हाथ पर वो खून उसकी दादी का ही था जो कि उसके टोक्यो जाने के खिलाफ थी। इसका मतलब आइबा एक साइको आशिक है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आइबा ने अपने माँ बाप को भी जान से मार दिया था। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आइबा का बाप उसे बचपन में बहुत बुली करता था जिस वजह से उसकी टेंडेंसी शायद ऐसी हो गई, जिसके बाद वो अपनी दादी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। फिर सीन रूमी के घर पर शिफ्ट होती है जो खुद को अपने कमरे में बंद कर देती है और जब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ तो रूमी दरवाजे पर चाकू मार के अपनी माँ से कहती है कि वो उससे इतने अच्छे से बर्ताव न करे। इससे हमें ये पता चलता है कि उन बुलीज ने रूमी को इतनी बुरी तरह बुली किया है कि अब उससे खुद के साथ बुरा बिहेव करने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। वहीं अगले दिन नोजाकी अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि रूमी उसकी बहन को मारने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसे रोकती है और फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, पर रूमी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वहां आइबा आता है और नोजाकी से टोक्यो जाने के बारे में पूछता है पर नोजाकी उसे मना कर देती है तो आइबा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां नर्स आती है और कहती है कि तुम्हारे दादाजी उन्हें चोट आई है, तो नोजाकी नीचे जाती है। वो देखती है कि उसके दादाजी पर किसी ने बुरी तरह हमला किया था।
उसे आयबा पर शक होता है तो वो उसके घर के लिए निकल जाती है, पर आयबा उसे रास्ते में ही मिल जाता है और वो आयबा के हाथ पे खून लगा हुआ देखकर उसे पूछती है कि आखिर उसने उसके दादाजी को क्यों मारा, जिस पर आयबा कहता है कि ये मेरी दादी का खून है, वो मेरे टोक्यो जाने के खिलाफ थी तो मैंने उन्हें मार दिया। तभी वहाँ रूमी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे दादाजी पर मैंने हमला किया है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि उसने कैसे उस दिन पहले उसकी माँ को बाहर बुलाया और फिर कैसे उसे बाहर ही जिंदा जला दिया, और जब उसके पिता उसकी माँ को वहाँ बचाने आए तो एक बच्चे ने उसके पैर पर तीर मारा और फिर उसके पिता और बहन को भी वहीं जिंदा जला दिया, और उसी के बाद से उसे फायर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ये सुनते ही हमारे साथ नोज़ाकी का भी दिमाग खराब हो जाता है और नोज़ाकी रूमी को मारने जाती है, पर रूमी उसके चाकू घोप देती है तो आयबा रूमी को वहीं लिटाकर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर वो अपना बैग साइड में फेंकता है कि तभी उसके बैग से कुछ फोटोज बाहर गिर जाती है। नोज़ाकी देखती है कि उनमें से एक फोटो उसके जलते माँ बाप की भी थी, और ये फोटो आयबा ने तब ली थी जब वो नोज़ाकी की बहन को बचाने के लिए अंदर गया था। भाई, मरे हुए और जलते हुए लोगों की फोटो कौन लेता है? ये देख के नोज़ाकी को और गुस्सा आता है और वो आयबा पर हमला करती है, पर वो उसे नहीं मार पाती, जिसके बाद आयबा नोज़ाकी पर भी मुक्कों की बारिश कर देता है। फिर वो अपना कैमरा निकाल कर नोज़ाकी की फोटो लेने लगता है कि तभी नोज़ाकी साइड में पड़े उस दिन वाले विकराल के बाण को, जो उस दिन उन दो लड़कों से लड़ते वक्त वहीं रह गया था, उसे उठाती है और सीधा आयबा पे चला देती है, और वो तीर सीधा आयबा के कैमरा के थ्रू उसके आंख में जाके घुसता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नोज़ाकी कैसे तो चलकर जाने की कोशिश करती है पर वो वहीं गिर जाती है, जिसके बाद हम लास्ट सीन में ताइको को उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेते हुए देखते हैं, जिसका मतलब वो अभी तक जिंदा थी, और फिर वो अपने और नोज़ाकी के फ्रेंडशिप वाले दिनों को याद करने लगती है। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट में नोज़ाकी का क्या हुआ, या वो बची या नहीं, ये तो हमें नहीं बताया गया, पर मेरे ख्याल से वो शायद मर चुकी होगी, क्योंकि एंड में रूमी और आयबा दोनों ने नोज़ाकी को हद से ज़्यादा जख्मी कर दिया था, जिस वजह से ब्लड लॉस के कारण शायद उसकी डेथ हो गई हो, पर ये मेरा अंदाज़ा है, कोई गारंटी नहीं। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड मेरे ख्याल से नोज़ाकी को पहले ही इस बुलिंग के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए था, तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ मूवी के कैरेक्टर के लिए है, पर ये मूवी हमें समाज का घिनौना चेहरा दिखाती है, जहाँ कैसे अच्छे लोगों को जीने नहीं दिया जाता। अगर आप चुपचाप रहकर सिर्फ सहन करते रहोगे तो ये दुनिया आपको कच्चा खा जाएगी, तो इसीलिए किसी को भी खुद को या किसी और को बुली मत करने दो, ये दुनिया की सबसे वाहियात चीज़ है। आप जितना सहन करोगे लोग आपको उतना ही दबाएंगे और आप उतना ही डिप्रेशन और मौत के करीब जाओगे। सो अगर आपके साथ या आपके आसपास कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, इससे पहले कि कोई और आयबा या रूमी जैसा बन जाए। एंड इसी के साथ ये था मेरा लिवर लीफ मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अब आपको पता है कि क्या करना है, बस बिना ज्यादा सोचे उस लाइक बटन को ठोक दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही यूनिक मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली नई वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।